राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का अनुरोध किया है। इसी तर्ज पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के करोड़ों अनुयायियों की मांग के मुताबिक दादर स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि रखा जाना चाहिए और इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने सभागृह में मांग की है। 2018 में राज्य सरकार ने एल्फिंस्टन रोड स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी कर दिया। जब ओशिवारा में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था तो इसका नाम राम मंदिर रखा गया। भीम सैनिकों के दादर स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने की मांग बहुत पुरानी है, इसलिए राज्य सरकार को जनभावना का सम्मान करते हुए अब दादर का नाम चैत्यभूमि रखना चाहिए, राउत ने आज सभागृह में कहा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में दादर का अद्वितीय महत्व है। वे दादर के राजगृह में रहते थे और महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहेब का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, इसलिए न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश दुनिया में भीम अनुयायियों की भावनाएं दादर से जुड़ी हुई है। हर साल लाखों भीम अनुयायी महापरिनिर्वाण के दिन चैत्यभूमि आते हैं, इसलिए डॉक्टर नितिन राउत ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार से इसी सत्र में ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने एक बाब मी आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की दादरच्या रेल्वे स्टेशनला चैत्यभूमीचं नाव द्यावं अशी मागणी वारंवार राज्यामध्ये अनेकदा घडली, त्यासाठी आंदोलन झाले, तरी राज्य सरकार दादरच्या रेल्वे स्टेशनचं नाव चैत्यभूमी करणार का अशी मागणी मी या ठिकाणी मांडतोय। अध्यक्ष, कॅमेरा पर्सन राजकुमार बहुट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।